धन्यवाद रानी साहिबा। हम ये बताने आए हैं कि पिछले साल का बकाया आपने दिया नहीं है शुल्क, इसलिए हमने बंद कर दिया है पानी। ओ राजा प्रेमनाथ जी, आपकी शुल्क की मांग नाजायज है। देखिए हम आपको समझाते हैं। अरे आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक आप शुल्क नहीं चुकाएगी शुरू नहीं होगा पानी। बादशाह अकबर कहाँ है, हम उनसे ही बात करेंगे। देखिए प्रेमनाथ जी, क्या है कि बादशाह अकबर जो है वो उत्तरी सीमाओं के दौरे पर है। उनकी गैर मौजूदगी में इस मसले का फैसला अब कल होगा। कल हमने एक राजकीय गोष्ठी रखी है जिसमें हमारे आसपास के मुल्कों के राजाओं को बुलाया है। वही फैसला करेंगे कि हम सही हैं या आप। हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजा प्रेमनाथ जी, हमारे पड़ोसी देश के दोनों राजा, राजा धीर सिंह और फिरोज जी को हमने इस बात का फैसला करने के लिए यहां बुलाया है कि जो चीज प्रकृति हमें देती है क्या उस चीज पर शुल्क लगना चाहिए। देखिए बीरबल जी, आप एक बात बताइए हमें कि आपके राज्य में जन्मी हुई हर चीज आपकी है, तो हमारे राज्य में जन्मी हुई नदी हमारी धरोहर हुई या नहीं? एक बात बताइए कि आपके समुद्री तट पर जो जहाज आते हैं उनका शुल्क आप लेते हैं, तो हमारी नदी जो है जो आपके राज्य से गुजरती है तो उसका शुल्क हम क्यों ना ले? बड़ी हसीन है ये दुनिया। वैसे प्रेमनाथ जी सही कह रहे हैं। हाँ। जी हम भी प्रेमनाथ जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमें थोड़ा हल्का होना है। हमें एक दिन की मोहलत दीजिए, हमें अपना पक्ष रखने का एक मौका चाहिए। अनारकली जी रुकिए। अनारकली जी, मेहमान को शरबत पिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, ये रानी साहिबा का हुक्म है। लाइन लाइन अनारकली जी आप आराम कीजिए। ओए अम्मा, ओफी अम्मा, ये कौन थी? अरे अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। एक तो कल रात को हमें पिटवाया गया और आज ये हमारे सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों का हमारी नदी का पानी चाहिए तो अब आप लोगों को हमें 4 गुना शुल्क देना पड़ेगा, वरना प्यासे मरो। हाँ तो चले। अरे रुके रुके रुके, बैठ जाइए। प्रेमनाथ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, ये रहा आपका 4 गुना शुल्क। अब हिसाब बराबर हुआ, अब आप लोग प्यासे मत मरो। नहीं नहीं प्रेमनाथ जी, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। हम समझाते, क्या है कि हमने तो आपको आपके नदी के पानी का शुल्क दे दिया, वो भी 4 गुना, पर आपकी नदी जो है वो हमारे राज्य के जमीन से होते हुए गुजरती थी, उसका शुल्क आपने हमें नहीं दिया, अभी से नहीं पिछले 40 वर्षों से नहीं दिया। हम आपको हिसाब दिखाते हैं। 40 वर्षों का हिसाब। आप अपने पानी का 4 गुना शुल्क ले जाइए और हमें अपनी जमीन का 40 वर्षों का शुल्क दे दीजिए, हिसाब बराबर। हाँ लेकिन हमने तो नहीं कहा था नदी को कि वो आपके राज्य से बह है। अब वो अपने हिसाब से बहती है तो
किस बात का शुल्क? प्रेमनाथ जी, नदी को हमने भी नहीं कहा था कि हमारे राज्य से बहे। तो प्रेमनाथ जी, नदी तो आपकी है, आपको ही रोकना होगा। आपने अपनी नदी को नहीं रोका, वो हमारे जमीन से बहने लगी और आपको शुल्क देना होगा। राजा प्रेमनाथ, ये तो सत्य है। अगर आप पानी का शुल्क ले रहे हैं तो आपको भी इनके राज्य के जमीन का शुल्क देना होगा। आखिर आपकी नदी इन्हीं की जमीन से होते हुए जाके समुंदर में मिलती है। जी प्रेमनाथ जी, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, हम इतना ये माने जो 40 साल का शुल्क है वो हम एक साथ में नहीं दे सकते, क्योंकि इतना धन हमारे पास नहीं है। देखिए, आप हमें 40 वर्षों का शुल्क दे दीजिए या फिर वचन दीजिए कि आज के बाद आप हमारे राज्य से कभी अपनी नदी और पानी का शुल्क नहीं मांगे। हाँ हाँ, मंजूर है, हमें बिल्कुल मंजूर है। मजा आ गया बिरबल, मजा आ गया। प्रेमनाथ को तो उसी के जाल में फंसा दिया।